और एट गाइस, तो आईफोन्स के नोटिफिकेशंस में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि एक मैसेज दिया जा रहा है आपको जिसमें लिखा हुआ है योर पासवर्ड हैज़ बीन लीक्ड। तो ये जो मैसेज है क्या है और क्या कुछ करना है आपको ताकि आप अपने आईफोन के जो पासवर्ड्स हैं और जो यहाँ पे डेटा है उसको आप सेव कर सकें। बाय द वे दोस्तों, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको अभी आ रही हो या फिर इन फ्यूचर भी आ सकती है। तो ये नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि सम ऑफ योर पासवर्ड हैज़ बीन लीक्ड। तो ऐसे आप कैसे इसको जो है अपना सेव कर सकते हैं, और आपको पता है कि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आईफोन्स में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक्चुअल में ये हुआ क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि जो आपके पासवर्ड्स हैं आईफोन में वो लीक हो सकते हैं, और यानी कि यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो आपका डेटा है वो सिक्योर नहीं है, इसको आप फिक्स करो। तो ये मैसेज क्या बहुत ज़्यादा अर्जेंट है दोस्तों, अर्जेंट है, बट आपको इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक भी नहीं होना कि क्या करें फटाफट से। ये जो है जस्ट आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, बट अभी आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को डन करना है सो डैट आपका आईफोन का जो डेटा है वाकई में सेफ हो जाए। तो सबसे पहले आप इसको समझो ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आज तक आपने जितनी भी वेबसाइट्स विजिट की हैं अपने आईफोन्स में या फिर एंड्रॉयड में, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई बार हमें अपनी ईमेल एड्रेस या फिर पासवर्ड डालकर उसको रजिस्टर करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, एक्साइजर जो भी है, जैसे कि xyz.com, ये वेबसाइट है, और यहाँ पे जाके आप कोई भी लाइक प्रोडक्ट को बाय करते हैं या फिर कुछ भी आप इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो साइन अप करना पड़ता है, फिर साइन इन या फिर रजिस्टर करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपके आईफोन के पासवर्ड जो भी आप एंटर करेंगे, जीमेल आईडी और पासवर्ड, वहाँ पे सेव हो जाता है। और बाय मिस्टेक या फिर कुछ भी होता है, बाय रीज़न, कुछ भी रीज़न है, और वही सेम वेबसाइट, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग करनी थी xyz.com, ये वेबसाइट, यहाँ पे जाके आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, शॉपिंग की, और यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जो यानी कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव है, और बाय चांस अगर ये सेम वेबसाइट इन फ्यूचर कहीं हैक हो जाती है, कोई इसका हैकर एक्सेस ले लेता है, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी लोगों ने इसमें साइन इन किया था, जितने भी लोगों की जीमेल आईडी के पासवर्ड थे इस वेबसाइट पे सेव, वो अब हैकर उसका मिसयूज़ कर सकता है। दैट्स व्हाई आपको ये जो मैसेज आ रहा है कि आपके जो पासवर्ड्स हैं कहीं ऐसी वेबसाइट पे सेव्ड हैं जो कि नहीं होने चाहिए, आप वहाँ पे जाके इनको ठीक करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये वहाँ पे भी गलती नहीं है जो आपने वेबसाइट पे विजिट किया, क्योंकि वो वेबसाइट भी ठीक है, आपका डेटा नहीं इधर उधर कर रही थी, बट अगर बाई चांस अगर वो सेम वेबसाइट कोई हैकर के हाथ लग जाती है, तो आपकी जो पासवर्ड सेव थे ना, वो अब उसका मिसयूज़ कर सकता है, राइट। तो अब करना क्या है देखो, ऑलराइट गाइस, तो इसको फिक्स आउट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आईफोन की सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए जस्ट आपको जाना है पासवर्ड्स के ऊपर, क्लिक कर दें। अब यहाँ पे वो सभी पासवर्ड्स आपको शो करेंगे जिन भी वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया था, जहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपने एंटर किए थे, जो कि इन्फॉर्मेशन सेव्ड है। तो यहाँ पे जाके आप एक एक करके भी हटा सकते हैं। बाय द वे, आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी रिकमेंडेशन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है डिटेक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड। तो इनको क्या करना है आपको, यहाँ से ये जो पासवर्ड्स हैं आपके बिल्कुल सेफ नहीं है, आप यहाँ से जाके आप डिलीट पासवर्ड कर दें। यस, आपको डिलीट पासवर्ड करना है सभी पे जाकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स ये वेबसाइट कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। तो आप एक एक करके इनको जो है आप रिमूव कर दें, अपने पासवर्ड को जो भी आपने सेव किए हैं। तो इस तरीके से आप एक एक करके जितने भी जहाँ पे भी आपने सेव किया है सभी को आपने करना है, ठीक है, इस तरीके से, जो भी आपको लगता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप सभी चेकआउट करें। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आप एक एक करके इनको सबको डिलीट पासवर्ड कर दें, क्योंकि जब आप विजिट करेंगे दोबारा से एंटर कर दें पासवर्ड या फिर बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ है, बट यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी जहाँ पे भी आपने पासवर्ड्स एंटर किए हैं वो जाके आप टोटली जो है यहाँ से डिलीट कर दे, डेट्स ऑल गाइस। तो आप सभी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी सब सेफ ही हैं और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बाकी हमने पासवर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर दिया है। आई होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी एक एक करके और आप चेकआउट करते जाना, जहाँ जहाँ पे आपने पासवर्ड दिए हैं वो आप इस तरीके से हटा देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।